पहाड़गंज की दुकानें आज क्यों नहीं बंद की गई जहां की हम तस्वीरें देख रहे हैं? अंजना जी, किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है वहां पर। हमारी सहयोगी अनीशा गई, उन्होंने ये तस्वीरें कैद की है। पुलिस वहां पर लाठी दिखाती है फिर छोड़ देती है। ये कब तक चलता रहेगा? मतलब रोज आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सुबह 9 बजे दुकानें खोल के, फिर रोज 12 बजे के बाद शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री साहब कहेंगे कि अगर आपने कल तोड़ा तो हम कल सील कर देंगे। मजाक है ना फिर? देखिए देश नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि लखनऊ में क्या हुआ और अन्य राज्यों में उसका आप जीवीएल जी से पूछ लीजिएगा। दिल्ली के अंदर तो हमने कई दुकानों पर ताला लगाया, मैंने आपको स्पष्ट बताया। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, मुझे पता होता कि आप मुझसे आंकड़े मांगेगी तो बहस में आने से पहले मैं आंकड़े भी ले लेता सरकार से, लेकिन पूर्वी दिल्ली में तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कई दुकानों पर ताला लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। और अगर आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो शायद सारी दुकानें बंद करनी पड़ जाएं, क्योंकि लोगों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, शराब का सेवन जरूरी नहीं है। और ये इसको केवल राजस्व के नजरिए से मत देखिए, राजस्व वाली बात नहीं है इसमें, बात यह है कि धीरे धीरे, मैंने जैसा आपने शुरुआती उसमें कहा था कि ये कोई अंतहीन लॉकडाउन तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे तो सब कुछ खुलना है, बसें भी चलेंगी, मेट्रो भी चलेगा, दुकानें भी खुलेंगी। तो अगर हमें इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ जीवीएल साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि लॉकडाउन में हमेशा अनंत हम लॉकडाउन में नहीं जी सकते, लेकिन कैसे सही तरीका निकले ये आपकी जिम्मेदारी है राघव चड्ढा जी, ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है जो बैठकर नहीं कह सकते कि आज तो ऐसा हो गया कल हम बदल देंगे। आपको तय करना होगा पहले प्रक्रिया, फिर दुकानें खोलनी होगी 4 तारीख से। एक सेकंड, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं थर्सडे से खोलूंगा, हम अलग अलग राज्यों की तस्वीरें लगा रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में भी जीवीएल साहब यही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सारा इकरार राघव चड्ढा पे फोड़ देंगे। नहीं, मैंने ऐसा कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है अभी तक 20-25 मिनट में, मैंने कोई किसी पार्टी को सरकार को दोष नहीं दिया है। लेकिन मैं आज आपके ही चैनल पर देख रहा था, आपके ही चैनल पर जो नजारा है दिल्ली में, गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो चित्र आपके चैनल पर मैंने देखा, यदि आप निकाल सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिए, बहुत व्यवस्थित तरीके से लोग अब जो गोला जो बनाए हैं उसी के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। प्लीज दिखा दीजिए, नहीं सुन लीजिए, लेकिन ऐसा ऐसे ऐसा हर जगह हो रहा है, मैं दवा नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आज नहीं आज तक नहीं, मैं कह रहा हूँ आज तक में मैंने गाजियाबाद के चित्र देखा आपके ही चैनल पर, का भी दिखाया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ये संभव है, मतलब ये सुन लीजिए राघव, उसका फोटो भी दिखा लीजिए मैं आपको, तो पार्टी बाजी मत करिए, यहाँ क्या कारण है, यहाँ कारण क्या है, मैं इतना ही कह रहा हूँ, यहाँ ज्यादा भीड़ होने की क्या कारण है उसको भी, उस पर भी ध्यान दीजिए, मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, वहां गाजियाबाद मात्र 20 किलोमीटर दूर है, क्या वहां ज्यादा दुकान खुले हैं या कम लोग हैं, क्या कारण है, ये है। दूसरा, ये मत कहिए कि राजस्व के लिए नहीं है, बिल्कुल ये राजस्व के लिए है, राज्य सरकारों का दबाव केवल और केवल राजस्व के लिए था। जो आशुतोष जी कह रहे हैं बिना राजस्व आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बिहार की तरह या गुजरात की तरह बिल्कुल कर सकते हैं, पर लेकिन इसके लिए लंबे इसके लिए प्लानिंग होना चाहिए अलग से, अचानक से ये 5,000 करोड़ दिल्ली सरकार को भरपाई कहां से करेगी? देश भर में सभी राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इसमें, इसलिए उन्होंने दबाव बनाया। हम व्यवस्थित तरीके से यदि चला सकते हैं तो चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। दबाव वाले सवाल की मैं बात कर रहा हूं, मैं और एक जवाब और एक और एक और एक और एक और एक विषय जोड़ना चाहता हूं, जो चित्र आज हमने ये पुलित्जर प्राइज में भी देखा है, तो जिस प्रकार भारत की कश्मीर को तो कब्जे वाली कश्मीर कहने वाले चित्रकारों को, फोटोग्राफर्स को अवार्ड दिया जाता है, कांग्रेस वाह वाह कहती है, कांग्रेस के मित्र आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे? क्या अंजना जी आपको ये गलत नहीं लगता है? मैं उम्मीद कर रहा था इस पर भी हम बहस करेंगे, मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं जरा एक बड़ा करारा जवाब देना चाहता हूँ इस पे, आप मुझे मौका दीजिए। हाँ, करारा दीजिए, लेकिन बस ये रोक दीजिए ये जो हो रहा है। नहीं, करारा नहीं, मैं रोक रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट देखिए, जीवीएल साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हम तो लाचार हैं, मित्र तो आशुतोष जी भी थे, केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार, हम बिचारी केंद्र सरकार पे दबाव बना रही थी कि शराब की दुकानें खोलनी है तो हमने अनुमति दे दी कि खोलिए, भाई राज्य सरकार नियमित तरीके से और आपने अनुमति दे दी क्योंकि आप हमारे दबाव में आ गए,
तो भैया राज्य सरकारें तो पिछले 3 महीने से आप पे दबाव बना रही हैं कि दिसंबर और जनवरी का जीएसटी का जो भाग राज्यों को मिलना चाहिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए वो भी दे दो, वो दबाव आप पे दबाव नहीं बन पाया। 17,000 करोड़ रुपए का राजकोष आपने दिया, दिल्ली को आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, वो दबाव हम आप पे नहीं बना पा रहे हैं। हम कह रहे हैं फिस्कल पैकेज दीजिए राज्य सरकार, उस पर तो ये अपने हिसाब से दबाव नहीं चलेगा। आसान मान सकते हैं राघव, पूरे हर प्रदेश सरकार आसमान मान सकती है, अच्छा लगे सरकार दबाव के अंडर नियमित तरीके से क्यों नहीं दे सकती है ना? आप आपने जीएसटी आप हर नहीं ये इसमें हम नहीं दे रहे हैं आपको दी गई नहीं अनुमति और हम लिखकर से इसमें अनुमति के अलावा कोई राजस्व नहीं दे रहे हैं ना। लखनऊ के जो दृश्य है वो नजर नहीं आते हैं, आपके कर्नाटक के जो दृश्य है वो नहीं नजर आते हैं, यहाँ पर दुकान खोलने से पहले नारियल भैया मैं आज जो आज तक पे जो गाजियाबाद का जो कृपया राजनीति मैंने उसी का, और अगर दबाव है दबाव है दबाव है तो मैं आज आप पे दबाव बनाता हूँ, जीएसटी का पैसा दो हमें, मैं आप पे दबाव बनाता हूँ कि राहत कोष से हमें राहत कोष की राशि दी जाए जो देश के 28 राज्यों में आप मांग सकते हैं, मांगने में कोई रोक नहीं है, मांगने में कोई रोक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कानून के आधार पर नियम के आधार पर रिकमेंडेड फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर देती है। लेकिन जवाब में आ जाओ अंजना, आप बंद करो ना हमारे आप दुकान बंद करिए ना, हम तो आप, और भी आप दिल्ली में दुकान बंद करिए ना, हमारे दबाव तले आप हमारे दबाव तले दब जाओ, फिर जीएसटी का पैसा तो दिया नहीं, हो सकता है आपने जीएसटी का पैसा दिया होता तो आज शराब जो एक एक नया पैसा राज्य सरकारों को एक एक नया पैसा उनके खाते में जाना है दे दिया, और पहले 6 महीने के डिजास्टर रिस्पॉन्स को भी अभी नहीं, जो आपका नहीं बनता है वो नहीं देखा जाएगा, नहीं मिली जो नहीं बन सकता है जो आपका नहीं बनता है वो नहीं दिया जाएगा। अंजना जी आपको एडवांस में डिजास्टर रिस्पॉन्स जनवरी और दिसंबर का जीएसटी का हिस्सा जो राज्य सरकारों को होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में आता है, आज हम मई के पहले हफ्ते में है, लेकिन अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया।